पश्चिम बंगाल की बात, वहां पे पंचायत चुनाव हो रहे हैं और उस पे हिंसा भी और इसको लेकर राजनीति भी तेज है। वैसे पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में जो ग्रामीण चुनाव खास करके होते हैं उसमें हिंसा नई बात नहीं है। पंचायत चुनावों की घोषणा से लेकर अब तक 27 लोगों की मौत की खबर आई है। मुर्शिदाबाद, मालदा और नाडिया सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में है। टीएमसी, सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। चार पार्टियां हैं यहां पर, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस, सभी के लोग मारे भी गए हैं, एक दूसरे पे सभी आरोप लगा रहे हैं। हिंसा को देखते हुए 697 पोलिंग बूथों पे दोबारा मतदान भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस दिल्ली के दौरे पे हैं और उनकी कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। शाम के 6:30 बजे उनकी मुलाकात होगी। हिंसा की जांच के लिए बीजेपी अपने 4 सांसदों का दल भेजेगी। ये भी खबर आई है कि बीजेपी का एक संसदीय दल वहां पे जाएगा और ये जो है रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में जांच दल वहां पर जाने वाला है। तो इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे पास 2 पार्टियों के लोग हैं, हालांकि 4 पार्टियां हैं वहां पर जिनके बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन हमारे साथ इस समय प्रवक्ता टीएमसी हैं जूही बिस्वास और प्रवक्ता बीजेपी हैं शिवम त्यागी। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, अभी खबर आई है कि संसदीय दल वहां पर जाएगा रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में, तो इस संसदीय दल का क्या काम होगा? हिंसा की जो वहां पर से खबर आ रही है उसकी स्थिति इस समय क्या आप लोगों को मिल रही है शिवम जी? नगमा जी, मुझे लगता है कि इस देश के तमाम चैनल्स ने भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार भी लगातार इस पर बात कर रही है और बात भी की है, इस देश के गृह मंत्री ने भी बात की है। हालात सबके सामने हैं, किसी से छुपे नहीं है, कहीं पर रीपोलिंग हुआ है, लेकिन ये लगातार इसका अगर आप देखें तो एक लंबे समय से ये चीजें चलती आ रही है। तृणमूल कांग्रेस जो है खासतौर पर लेफ्ट की सरकार को हटाकर जब सरकार में आई थी तो उनका एजेंडा यही था कि इस तरह की चीजों को कम करेंगे, लेकिन चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे फिर से पंचायत चुनाव, आप इस चीज को कवर करने में बिल्कुल नाकामयाब रहे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं डेटा की तो पंचायत चुनाव की भी, अगर 2018 में पंचायत चुनाव में मैं बात करूं तो 3,059 पंचायत समिति थी, 16,814 ग्राम पंचायत थी और करीब 1100 ऐसी सीटें थी जिनपे और अलग जगहों पर विपक्ष अपना कैंडिडेट भी नहीं दे पाया था। हालात इतने खराब थे कि जगह जगह आगजनी हुई, फिर उसके बाद आपने देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव में हालात रहे, फिर आपने देखा विधानसभा चुनाव में क्या हालात रहे। जी हाँ शिवम जी, इसमें एक बात बस जोड़ दें, आपने जो कहा वो बात सच है और उम्मीद थी कि टीएमसी कंट्रोल करेगी, नहीं हुई, पर इसी सबकी वजह से हाईकोर्ट का इंटरवेंशन भी हुआ और 60,000 वहां पे पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं और सेंट्रल फोर्सेस के जाने से लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा होगा। बावजूद इसके जो हिंसा होती है तो यहां पर तो केंद्रीय बल भी हैं, फिर ये हिंसा नहीं रुक पाती है? बिल्कुल है, लेकिन केंद्रीय जितनी भी कंपनीज वहां पर जाती हैं, वहां पर जो स्टेट पुलिस और स्टेट का दस्ता होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सेंसिटिव जोन्स को बताकर आगे जो केंद्रीय एजेंसीज है उनको भेजा जाए, कहां कहां रहना है, कहां कहां नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो पूरे तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है, शुक्र कीजिए कि वहां पर केंद्रीय एजेंसीज हैं, उसके बाद ये हाल है। मतलब केंद्रीय एजेंसीज अगर वहां पर नहीं होंगी तो जिस तरीके से लोग मत पेटियां उठाकर भाग रहे हैं, बूथ लूट रहे हैं, ये तो 90 के दशक का बिहार और उत्तर प्रदेश ईस्ट में इस तरह का माहौल होता है। आज 2023 में भी अगर मत पेटियां लूटी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं लोगों तो को, तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? ये जो इतनी हिंसा हो रही है उसके पीछे जूही बिस्वास, टीएमसी पे ये आरोप है, केंद्रीय बल भी वहां पर है, टीएमसी का आरोप है, जैसे टीएमसी वर्कर है एक मैदुल शेख, उनका भी नाम सामने आया कि ये क्लैश हुआ टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच और उसमें उनकी जो मृत्यु हुई, तो ये रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात है, ये शनिवार की बात है। लेकिन इसी तरह से एक सीपीआईएम कैंडिडेट हैं, उनको टीएमसी के लोगों ने मारा, तो यहां पे तमाम पार्टियां, ये जो तस्वीर उभर रही है वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, एक दूसरे को कार्यकर्ता मार रहे हैं और उसमें सभी तरफ से लोगों को कहीं कुछ घायल हुए, कुछ मौतें हुई, तो इसकी जिम्मेदारी कहां, किस पे जाती है? जूही बिस्वास। नगमा जी, पहले बात तो मैं आपको कहना चाहूंगी, देखिए बंगाल हो या देशी कोई पुणे हो, आज कोई मौत, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी समर्थन नहीं करते, हमारे पार्टी भी समर्थन देते, कोई भी मौत, कोई भी पार्टी खाते नहीं। आपकी आवाज साफ नहीं है बिल्कुल भी। देख रहे थे बंगाल में लेफ्ट गवर्नमेंट था उनके समय भी आप देखिए। जी बोलिए बोलिए। आप अगर देखेंगे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के टाइम ही
आई हाँ हाँ बोलिए। लोगों का मौत हो गया था बंगाल में 2011 में, अगर देखेंगे पर करीब 39 लोगों का मौत हो गया। और 2013 में जब आप 2013 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था तो ये मीरा पांडे जी जब कमिश्नर थे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने सेंट्रल फोर्स तभी मंगाए थे, उस टाइम भी 49 लोग 49 लोगों का मौत हो गया था। तो ये बंगाल का एक परंपरा रहे है कि बंगाल में पंचायत इलेक्शन में ऐसे बर्बरता और बेदर्दी का चित्र बार बार सामने आ जाते हैं। लेकिन हम बोलते हैं विपक्षियों को जो जो बोलते थे हमेशा कि उनको हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, उनको तो निष्पक्ष चुनाव लड़ना था, उनको स्वतंत्र चुनाव लड़ना था। आज जो निष्पक्षता और ये स्वतंत्रता कहाँ गए? ये लोग जो है देखेंगे, ये जो आप अभी बता रहे थे शिवम त्यागी जी, उनको पता करना चाहिए बीजेपी के लोग ये बैलेट बॉक्स में पानी डाल दे रहे हैं। ये सारे चैनल में दिखाया गया वोट के दिन। आज बीजेपी के गुंडों ने बूथ में जाके कहीं पे हल्दिया के बूथ में जाके वहां पर बंद करके रखे वोटिंग प्रोसेस नहीं होने के लिए, आज सारे जगह में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर री पोलिंग हो रही है जुई विश्वास बहुत सारी जगहों पर 697 बूथ पे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इस समय स्थिति क्या है, क्या राज्य सरकार इसको काबू में कर पाई है? क्योंकि सरकार जिसकी होती है जिम्मेदारी उसी की होती है, सवाल उसी से पूछे जाएंगे। गवर्नर यहाँ आए हुए हैं गृह मंत्री से मुलाकात करने जी, के लिए जी, अभी जी दे दूं। देखिए अगर देखेंगे इस अगर 5 जुलाई को हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने बता दिया 7.80% बूथ जो है वो संवेदनशील बूथ है, 5 जुलाई से पहले ये बता दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी टाइम पे ये सुरक्षा बल नहीं पहुंचे, डिप्लॉय नहीं कर पाए क्योंकि टाइम पे नहीं पहुंचे। और अगर आप देखें 8 तारीख को तो सुरक्षा बल टाइम पे नहीं पहुंचे इसलिए हिंसा हुई, यानी कि जो राज्य सरकार में जो सुरक्षा एजेंसियां है वो नाकाम है पूरी तरह से, नहीं कर सकती। नहीं नागमा जी, हमारी जो पुलिस है, जो राज्य पुलिस है, वो लोग वो सारे बूथ वो लोग तैनात थे। लेकिन हमारे जो यहाँ पर कोर्ट मॉनिटरिंग में ये इलेक्शन हो रहा है, ये हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद ये कोर्ट मॉनिटरिंग ने जो बताया था विपक्ष के जो मांग थे कि सेंट्रल फोर्स रहना चाहिए, वो तो सेंट्रल फोर्स मांगा सेंट्रल फोर्स समय पे नहीं पहुंची। दूसरे ये बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे कर रहे हैं, बैलेट बॉक्सेस में पानी डाल दे रहे हैं। एक सेकेंड जुई जी, पर बंगाल में जो ये हिंसा है चुनाव में, ग्रामीण चुनावों में, पंचायत चुनावों में, दूसरे राज्यों के मुकाबले ये इतनी ज्यादा यहां पर क्यों नजर आती है? इसका इतिहास है, ये पहली बार नहीं है कि ये हो रहा है। और यहां पर आप आरोप लगा रही हैं जुई बीजेपी पे, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, टीएमसी, तमाम सभी के वर्कर्स मारे भी गए हैं, घायल भी हुए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये जो ग्रामीण हिंसा है, शिवम त्यागी आप क्या कैसे देखते हैं इसे, क्या वजह है इसकी, क्या किसकी जिम्मेदारी बन रही है अभी, और इसका इतिहास रहा है बंगाल में? नगमा जी, कोई भी चुनाव रहा हो, चाहे वो पंचायत चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 693 घटनाएं हुई पॉलिटिकल वायलेंसेस, जिसमें 23 हत्याएं हुई और वो वोटिंग के दौरान हुई, उसके बाद 61 लोग मारे गए और 1508 लोग घायल हो गए, ये तो लोकसभा चुनाव था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि बंगाल में लॉ ऑफ रूलर है, कमाल बात है। आप कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है, परंपरा बदलने के लिए सरकार बनी थी जी। आपको याद होगा किस तरीके से रॉयटर्स बिल्डिंग में जो है ममता दीदी को बालों से पकड़ के लेफ्ट के लोगों ने मारा था, किस तरीके के हालात किए थे और उसके बाद क्या सदन में हंगामा हुआ था, यही तस्वीरें बदलने के लिए बंगाल ने आपको वोट दिया था। अब बीजेपी पर आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां पर सिर्फ 3 सीटों पर थी, आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन हिंसा तो वहां पर हमेशा थी, तब लेफ्ट थी तब भी वहां पर हिंसा थी, ममता दीदी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो लेकिन क्या आप इसमें सिर्फ टीएमसी को दोष दे सकते हैं? टीएमसी का आरोप है कि ये बीजेपी कर रही है, लेफ्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, जुई विश्वास ये जिम्मेदारी तो लेकिन बनती है इस समय टीएमसी की, आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर आरोप डाल के, यहाँ कांग्रेस, यहाँ सीपीएम, आपके वर्कर्स को तो कांग्रेस के वर्कर्स ने भी मारा है, किसी एक पार्टी के ऊपर हम नहीं बोल रहे हैं। तो क्या सभी मिलकर टीएमसी के वर्कर्स पे हमला कर रहे हैं? ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे जो इनके जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है चौधरी अधीर रंजन चौधरी के बयान लगभग ये बीजेपी के बयान के साथ मिल जाते हैं, ये भी बीजेपी के एजेंट हो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। सीपीएम तो पहले से ही यहाँ पर नहीं, के लिए मशहूर है,
तो वो लोग भी शामिल वे हो गए। बीजेपी के एजेंट की तो तरह काम करें, लेकिन बात यह है कि जिसकी सरकार है जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। केंद्रीय फोर्सेस भी वहां पर गए, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। ये जो पूरी वहां पर पूरा माहौल जो है वो काफी हिंसाग्रस्त है और लोगों की जाने गई हैं। गवर्नर यहां पे हैं, कुछ ही देर में गृहमंत्री से उनकी मुलाकात होने वाली है। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छी बात यह है कि रीपोलिंग हो रही है कई जगह पर और हिंसा पे कुछ रोक यहां पे लगी है।